नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद वकील। आज सुबह सुबह जो एक बहुत ही दुखद समाचार सुना है कि आदरणीय लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वो हम सब के लिए बहुत दुखदायी है, क्योंकि जो लता मंगेशकर जी ने गाया वो कोई नहीं गा सकता। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। हमेशा लता मंगेशकर जी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। यूँ तो हर इंसान गाता है, लेकिन उनके गाने का जो एक अंदाज़ था और जो एक तासीर थी वो सीधा दिल पर लगती थी। हम हमेशा हमेशा उनको मिस करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 19 मार्च सन 2001 को एनकेपी सालवे साहब के बंगले पर मैंने उनके सामने हाजिरी दी, उनको डेढ़ घंटा गाना सुनाया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ज़िंदगी का कि जब सालवे साहब ने लता मंगेशकर जी से मुझे मिलाया तो लता जी ने कहा कि मुझे याद है इस बच्चे को, मैंने सुना है कुछ टाइम पहले सारेगामा में इसने गाया था, और इसने रफ़ी साहब का भी कोई गाना गाया था और केसरिया बालम भी गाया था। और उन्होंने मुझे कहा कि केसरिया बालम सुनाओ, और जब मैंने गाया तो उन्होंने कहा कि केसरिया बालम सब लोग गाते हैं लेकिन राजस्थान वालों से अच्छा कोई नहीं गा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब तक ये दुनिया है जब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा, और लता जी हमेशा हम सब के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। नमस्कार।